गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज की इस वीडियो को। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ पे स्मार्ट कोचेस को लेकर के। इंडियन रेलवेज के बहुत ही नए इंट्रोड्यूस कोचेस हैं स्मार्ट कोचेस। मैं कुछ अलग तरीके से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा और बिलीव मी, वीडियो पूरा देखने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरह तरीके से काम करते हैं। सिर्फ फीचर्स तो मैं आपको बताऊँगा इसके अंदर क्या है, बट काम कैसे करते हैं मैं आज इसको वो भी सिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे करके आप लोग चलना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पे स्मार्ट कोचेस एक LHB बेस्ड कोचेस हैं जो कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इंडियन रेलवेज बना रहा है अपने RCF यानी कि राय बरेली कोच फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, जिसका एक कोच यहाँ पे लगाया गया था और इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। स्मार्ट से यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो ये कोचेज हैं वो क्या एक बात दिमाग में रख के बनाए गए हैं कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को एनहांस कैसे करा जाएगा, बेसिक सी बात है। ओके, अब इसका जो मोटा मोटा हाईलाइट फीचर है वो है सेंसर, ठीक है। अगर आपने इसकी कुछ वीडियोस वगैरह देखी हैं तो आपको पता लग गया होगा कि सेंसर लगे हुए हैं इसके अंदर। उन सेंसर की मदद से आप बेसिकली पूरे कोच को किसी कंट्रोलिंग रूम से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, और सारी रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कर सकते हो जो भी वो सेंसर देख रहे हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपको समझाना कि ये जो पूरा मैकेनिज्म है स्मार्ट कोचेस का काम किस तरीके से करता है। देखिए यहाँ पे जो हमारे स्मार्ट कोचेज हैं इसके अंदर तीन मेजर एस्पेक्ट हैं, मतलब इनकी वर्किंग के अंदर तीन चीज़ों का पूरा चलन है, तीन चीज़ें मिलके इसको चला रही हैं। सबसे पहला है हमारा एक नॉर्मल LHB कोच जिसके अंदर कुछ सेंसर फिटेड हैं। दूसरा है यहाँ पे सर्वर जो कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग चीज़ होता है जिसमें सारा डेटा ऑनलाइन शेयर रहता है। और एक है यहाँ पे कंट्रोलिंग रूम जहाँ पे कंप्यूटर पर बैठ के एक बंदा इसके डेटा को यहाँ पे एक्सेस कर रहा है। अब ये जो सर्वर होता है वो समथिंग लाइक होता है आपकी गूगल ड्राइव की तरह। जैसे आप गूगल ड्राइव होती है वहाँ पे अपना डेटा शेयर रख लेते हो, फोन से डेटा वहाँ डालते हो और कंप्यूटर से भी उस डेटा को एक्सेस कर लेते हो। तो यहाँ पे वो गूगल ड्राइव क्या है, एक कॉमन लिंक है आपके मोबाइल और आपके कंप्यूटर के बीच में, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे जो सर्वर है ये कॉमन लिंक है बिटवीन कोच मतलब डब्बा और कंट्रोलिंग रूम के बीच में। ग्रेट, जैसे ही कोच में लगे हुए मॉनिटर किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे और वो काम करना शुरू करेंगे, वो लगातार अपडेट भेजते रहेंगे यहाँ पे सर्वर को। और सर्वर का काम है उस चीज़ को स्टोर करना, इट्स लाइक अ हार्ड डिस्क, ओके। और अगर हमें ज़रूरत है तो हम कंट्रोल रूम से बैठ के सर्वर के में क्या इन्फॉर्मेशन फीड हो रही है उसको चेक कर सकते हैं। बात मेरी समझ आ रही है अब आपको? अभी ये जो क्लियर है ये जो बात है ना ये आगे लिंक करूंगा मैं 2 मिनट बाद। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें फीचर्स क्या क्या है और ये जो सेंसर की बातें कर रहा हूँ ये क्या क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो सर्वर से आप रिपोर्ट वगैरह देख रहे हो इसको मैं 2 मिनट बाद लिंक करूंगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो भाई लोग देखो ये जो सेंसर लगाए गए हैं, सबसे पहले सेंसर का काम है कि जो व्हील है उसका लाइफ स्पैन देखना और उसकी क्वालिटी देख लेना। कहीं ऐसा तो नहीं कि व्हील का जो एजिस वाला हिस्सा होता है वो कहीं से खिस गया है मतलब ज़्यादा चलने के कारण और उसको रिप्लेस करवाना है। तो सबसे पहले जो सेंसर है वो इसकी रिपोर्ट जनरेट करके देगा और बताएगा कि अगर व्हील रिप्लेस करना है तो करो। ग्रेट, उसके बाद अब जब ये व्हील पटरी पे मूव करेगा, ठीक है, तो पटरी पे मूव करने के साथ साथ वो ये भी डिटेक्ट कर लेगा कि पटरी में क्रैक कहाँ पर है। मतलब जो एक्सरे होता था या जो हमें गैंगमैन को करो किलोमीटर दर किलोमीटर चल के पटरियाँ चेक करनी पड़ती थी, वो ये काम डब्बा अपने आप कर देगा और ये अपने आप पूरी पटरी को स्कैन करके बता देगा कहाँ पे क्रैक है और उस जगह को नोटिफाई कर देगा, मतलब उस जगह को पिन कर देगा और सो देट रेलवे वहाँ पे काम कर सके। अब इस सिस्टम के अंदर यहाँ पे PICCU नाम की एक टेक्नोलॉजी को लगाया गया है जिसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे पैसेंजर इन्फॉर्मेशन एंड कोच कंप्यूटिंग यूनिट, ठीक है, बहुत अजीब सा नाम है बट एक्चुअली ये CPU है। आपके घर में जो कंप्यूटर होता है उसका जो CPU होता है वो है जो इसका नाम है। ये इतना बड़ा इसलिए क्योंकि ये इंडस्ट्रियल लेवल का CPU है, ठीक है, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि वो कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ है कुछ, ठीक है। तो ये जो CPU है यानी कि या अब मैं कह सकता हूँ या ये जो PICCU है ये मेजोरिटी 4 चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है आपके टोटल डब्बे के अंदर, ठीक है। सबसे पहला है CCTV, दूसरा है यहाँ पे डिजिटल डेस्टिनेशन बोर्ड, तीसरा है यहाँ पे कोच डायग्नोस्टिक्स एंड चौथा है अदर्स, ठीक है।
सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे सीसीटीवी के अंदर। अब सीसीटीवी के अंदर इन्होंने एआई को शामिल कर दिया, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप में से कोई भी आईफोन एक्स यूज कर रहा है या फिर कोई भी ऐसा फोन यूज कर रहा है जिसमें फेस अनलॉक है, ठीक है, तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। इंसान को देख के मशीन रिएक्ट करती है। ओके, तो एआई से हम क्या चेक कर सकते हैं? सबसे पहले हम पैसेंजर मूवमेंट चेक कर सकते हैं, दूसरा हम टीटी का बिहेवियर चेक कर सकते हैं, वो कितना पोलाइट है और कितना आपसे तमीज से बात कर रहा है या कितना अपनी ड्यूटीज को वो डिलीजेंटली पूरा कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ, यहाँ पे मैं डिजिटल डेस्टिनेशन बोर्ड। इट्स समथिंग लाइक कि आपको जो बाहर वाला, मतलब वो ट्रेन कहाँ जा रही है, वो डिजिटली उस पर लिखा हुआ मिलेगा। अभी तक आपको क्या मिलता था लिखा हुआ? खाली वेलकम टू इंडियन रेलवेज, ठीक है। मतलब डिजिटल डेस्टिनेशन बोर्ड एक्चुअली अभी भी हैं कुछ ट्रेनों में, लेकिन उस पर डेस्टिनेशन का नाम कभी नहीं लिखा होता था, ओनली वेलकम टू इंडियन रेलवेज लिखा होता था। अब यहाँ पे आपको जो ट्रेन कहाँ जा रही है, मुंबई राजधानी है, तो उसका पूरा नाम, नंबर वगैरह वगैरह सब लिखा हुआ मिल जाएगा। ग्रेट। अब यही सिस्टम के अंदर आपको जीपीएस नेटवर्क दिया जाता है, जिसकी वजह से आप वाईफाई के थ्रू, मतलब जीपीएस नेटवर्क मतलब सिंपली आपके फोन का हॉटस्पॉट की तरह, वाईफाई के थ्रू आप लोग इन्फोटेनमेंट की दुनिया में भी शामिल हो सकते हैं। आप अपने सिंपली फोन की वाईफाई से इसको कनेक्ट करिए, देन आप मूवीज, सॉन्ग्स वगैरह और जो भी कुछ ऑनलाइन वीडियोस है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे कोच डायग्नोस्टिक्स। ये जो इसके अंदर जो लगे हुए सेंसर है वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि ब्रेक सिस्टम कितना एफिशिएंट है ट्रेन का, और अगर उसके अंदर कोई किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट स्टेशन को बता देंगे अगर कोई चीज़ में रिपेयरमेंट चाहिए। दूसरा, इसका ऑनबोर्ड स्टाफ कैसे काम कर रहा है, मतलब कि वो साफ सफाई करता है या फिर नहीं करता है। यहाँ पे जो ऑनबोर्ड स्टाफ की साफ सफाई की बातचीत है, वो मे भी हो सकता है कि इन्होंने टॉयलेट के बाहर एक कैमरा वगैरह लगा दिया हो, लॉबी में कैमरेज लगा दिए हों, कि ऑनबोर्ड स्टाफ टाइम टाइम पे क्लीनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, बस हम उस चीज़ को चेक कर सकते हैं सीसीटीवी के थ्रू, ठीक है। इसके बाद लेता हूँ मैं अदर फीचर्स की बात। अभी अदर फीचर्स क्या है? अब अभी तक होता क्या था कि एसी बहुत तेज चल रहा है, पैसेंजर को कम चाहिए, बट हम कोच अटेंडेंट को ढूंढ रहे हैं, वो महाराज पेंट्री में सो रहे हैं, हमें वो मिलते नहीं थे। तो यहाँ पे एसी को भी हम किसी भी रिमोट लोकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, अभी बताता हूँ कैसे कंट्रोल करेंगे। उसके बाद दूसरा फीचर इसमें जो बताया गया है वो है वाटर लेवल फिलिंग, ऑटोमेटिक वाटर लेवल फिलिंग। कभी कभार डब्बे का पानी ख़त्म हो जाता है, तो ये जो सेंसर हैं, जो ट्रेन में सेंसर लगाए गए हैं डब्बे के अंदर, वो वाटर लेवल कम होते ही नेक्स्ट स्टेशन को नोटिफाई कर देंगे कि B9 के अंदर, इस ट्रेन के कोच के B9 के अंदर पानी का लेवल कम है, तो कृपया इसको फटाफट से फिलअप करें। तो जो रेलवे स्टेशन पे पानी फिल करने वाले होते हैं, वो रेंडमली किसी डब्बे को ना भर करके एग्जैक्टली B9 में पानी डाल देंगे, जिससे कि पैसेंजर को किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो। अब वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे बात कर रहा था कुछ सर्वर वर्वर को लेकर के, कि सर्वर है, ये कंट्रोल रूम है, ठीक है। तो ये जो सारे मैंने अभी आपको फीचर बताए, ये सारे फीचर कहाँ से आ रहे हैं? सेंसर से आ रहे हैं, किसी कोई सेंसर है लगा रखे हैं जगह जगह, वो इन सबको रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो सर्वर को दे रहे हैं, और वो सर्वर कंट्रोल रूम के पास इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे कंट्रोल रूम पे एक बंदा बिठा रखा है जो मॉनिटरिंग कर रहा है। अब वो ट्रेन में ये देखेगा कि जो टीटी है वो लोग किसी से लड़ाई कर रहा है, ठीक है, उसने एक सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली, तो वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। उसने फटाफट से ये देखा कि ऑनबोर्ड स्टाफ जो है समय समय पर साफ सफाई का काम नहीं कर रहा, वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, ठीक है। उसको ये लग रहा है कि जो पैसेंजर है वो कंबल ओढ़ ओढ़ के लेटे हुए हैं गर्मी के टाइम में भी, तो यानी कि जो एसी है वो बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, उसको कम करना है, तो उसको फटाफट से वो कम कर देगा। बात समझ में आई मेरी? ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी मेहनत सफल रही होगी और मेरी एनालिसिस आपको समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और इसी तरह से इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।